हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो एक्टिंग सीरीज़ के पार्ट का है, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं मुंबई में। तो मुंबई में मोस्ट ऑफ़ द ऑडिशंस होते हैं आराम नगर में। आराम नगर है वर्सोवा अंधेरी में। तो आराम नगर के दो पार्ट है, एक पार्ट वन और पार्ट टू। तो मोस्ट ऑफ़ द ऑडिशंस आराम नगर पार्ट टू में होते हैं और मैं आज आपको वहाँ ले जा रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से ये ओपन ऑडिशंस बंद हो चुके थे, पर आज 2 साल बाद वापस से शुरुआत हो रही है और शुरुआत हुई है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ओपन ऑडिशंस। यहाँ तक लाइन है, ओह गॉड। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने दूर तक लाइन है यहाँ पर। इस वक्त बहुत ही तेज़ धूप है और बहुत तेज़ गर्मी भी हो रही है, इसलिए मैंने स्कार्फ से अपने आप को ढक लिया है, कवर कर लिया है। और यहाँ पे धूल भी है तो मुझे एलर्जी है उस चीज़ से। तो अब देखते हैं, इतना बड़ा लाइन है तो शायद से 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। आप जब भी किसी ऑडिशन में जाओ, पहले पूछो कि वहाँ पर कुछ एंट्री करानी है या नहीं, मतलब आपको एंट्री करनी होती है वहाँ पर। तो मैं भी अभी यहाँ पर आई हूँ, तो पहले एंट्री करा लेती हूँ अपनी। एंट्री में आपको नाम और नंबर ही लिखना है। तो आप देख सकते हो इतना आगे तक लाइन है और ये मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है। तो चलते हैं, पहले एंट्री करा देते हैं। तो ऐसे ओपन ऑडिशंस के लिए आप हमेशा अपने साथ पानी और खाना थोड़ा तो कैरी करना चाहिए। तो मैंने ये फ्रूट कैरी किया हुआ था। हाय, आपका नाम क्या? मैंने पूछा नहीं नाम आपका। आप कहाँ से आए हो? नासिक। सोचो ये नासिक से आया ऑडिशन देने यहाँ पे। और आप? तो यहाँ से अंधेरी से आया तब भी लेट आया ये, लेकिन ठीक है, इसका काम था इसलिए लेट आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी कुशवाहा। कुशवाहा, चलो हम सब खाते हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 और 1 घंटा हो चुका है। तो आप कितना भी मेकअप करके आओ, इतने धूप में तो कुछ टिकने वाला नहीं है। बट अभी तक मेरा फिर भी ठीक है मेकअप। अब आगे देखो क्या होता है। और लाइन एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इतने गर्मी और धूप को झेलते हुए हम गेट के पास पहुंच गए हैं और अभी हमारा नंबर आने वाला है। यहाँ पर आपको पहले स्लेट भरना होगा, देन इंट्रो होगा। तो इंट्रो बाहर ही इस तरह से हो रहा है। सो फाइनली मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और मेरा नंबर आया 1:30। सो काफ़ी टायरिंग था, बट हाँ अच्छा प्रोसेस है वहाँ पे। वो आपको जो भी पूछेंगे आपको बस उसका आंसर देना है, एंड दैट्स इट। हो गया बस इंट्रो। फुल हालत ख़राब हो गई है धूप में। अभी तक लाइन है यहाँ पर, बहुत स्ट्रगल है भाई। सो अभी एक क्विक व्यू दिखाती हूँ मैं आराम नगर का। तो ये है आराम नगर पार्ट टू, वर्सोवा बीच के एकदम सामने ही है। तो यहाँ से एंट्री होती है। अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाऊँगी मैं, बस एक क्विक टूर दिखा सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशन स्टूडियोज़ हैं। तो जैसे कि ये एक है स्टूडियो 2000, और फिर आगे अभी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। तो दिखाती हूँ मैं अभी। ये है अस्मिता थिएटर, मतलब थिएटर ग्रुप है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, फेमस ग्रुप है ये। ये है क्रिएटिव अड्डा, यहाँ पे थिएटर प्लेस भी होते हैं और फिल्म स्क्रीनिंग भी होती है। यहाँ पहले FTC कास्टिंग का ऑफिस था, अभी वो सामने इस साइड पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है। पहले हमने एंट्री करते वक्त राइट में हम लोग गए थे, अभी राइट से बाहर आके एकदम सीधा जाएंगे नजब, तो एक बड़ा सा ग्राउंड आता है इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग ऑफिसेस है। तो सामने है कास्टिंग बे, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो ये है वेदा फैक्ट्री, ये एक थिएटर ग्रुप है। यहाँ पे थिएटर प्लेज होते रहते हैं और ऑडिशंस भी होते हैं। बड़ा जिम है। जिम कौन सा? यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आते हैं, कपिल शर्मा और सब, अजय देवगन जो आते हैं बोलते हैं डॉक्टर यही होंगे। अच्छा अच्छा। और इनके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑडिशन स्टूडियोज है। तो बस ये था आराम नगर पार्ट टू का क्विक
टूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।